जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है, यह टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस टेस्ट सीरीज के अंदर रखा गया है, जो कि हमारे टोटल 21 टेस्ट सीरीज है। एक एक टेस्ट सीरीज का एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग के नॉलेज के दृष्टिकोण से और आप लोग के इन्फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगर आप किसी भी सेक्टर में कंप्यूटर पर आधारित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस क्लास को। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, वह कह रहा है कि डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो अब कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि डैश कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है, तो वह है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है, तो वह है हमारा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो सभी भागों को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि ओएस का प्रमुख कार्य है, तो ओएस का प्रमुख कार्य जो है क्या है पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट, ऑप्शन 3 है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन 4 है फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन 5 है उपरोक्त। ठीक है, तो ओएस का प्रमुख कार्य जो है ये चारों जो है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, ये सभी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य जो है वह प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं, तो ऑप्शन 1 में दिया है यूजर इंटरफेस, ऑप्शन 2 में है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, ऑप्शन 3 में है रिसोर्स एलोकेशन, ऑप्शन 4 में है ये सभी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, चाहे वो यूजर इंटरफेस हो, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन हो या रिसोर्स एलोकेशन हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि डैश का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहाँ फास्ट रिस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता है, प्रेषित होने वाली फाइलें एक अवधि में एकत्रित की जाती है और फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेजी जाती है, बैच प्रोसेसिंग होता है वह। ठीक है, यानी बैच प्रोसेसिंग का उपयोग जो है बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम डेडिकेटेड पीसीएस का फंक्शन है, तो सिंगल यूजर के लिए जो है हमारा वह राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो हमारा वो राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि अनेक प्रोसेसरों द्वारा दी की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग जो है वह मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है कि एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को डैश कहते हैं, तो उसको हम लोग मल्टीटास्किंग तकनीक कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या हमारा जो है 11, वह कह रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है का क्या अर्थ है, उसका अर्थ क्या है। तो पांच ऑप्शन हमको दिए गए हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयू के बीच विभाजित कर सकता है। दूसरा है बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। तीसरा है बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है उपरोक्त सभी, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो है वह ऑप्शन चार है, उपरोक्त सभी जो है तीनों ऑप्शन वो राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिएगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है का अर्थ है कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयू के बीच विभाजित कर सकता है, बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, और बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 12 जो है वह कह रहा है कि जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं उसे कहते हैं, तो जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं उसे हम लोग टाइम शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन एक जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। तो टाइम शेयरिंग जो है सर्वाधिक उपयुक्त है आसान व छोटे कार्यों के लिए, ठीक है। यानी ऑप्शन तीन जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 14 कह रहा है कि टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है। तो प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन तीन जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 15 कह रहा है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग के द्वारा, ठीक है, टाइम शेयरिंग के द्वारा जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन तीन जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किससे होता है। तो कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग जो है वह टाइम शेयरिंग ओएस में होता है, ठीक है। ऑप्शन एक है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 17 कह रहा है कि उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो उपग्रहों के संचालन में प्रायः जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन एक जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है। तो उसको जो है यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि निम्न में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है। तो वह है यूजर इंटरफेस, ठीक है। यानी ऑप्शन चार जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 20 कह रहा है कि GUI का पूर्ण रूप है। तो GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ऑप्शन एक जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 22 जो है वह कह रहा है कि आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र जिन्हें आइकन कहा जाता है और मेन्यू का प्रयोग करता है GUI रहता है वह, ठीक है। यानी कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए GUI स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों जिन्हें आइकन कहा जाता है और मेन्यू का प्रयोग करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन दो जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 23 कह रहा है कि GUI का प्रयोग डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है।
तो GUI का प्रयोग जो है मानव और मशीन के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है, यानी ऑप्शन दो जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 24 कह रहा है कि जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है कहलाता है, तो वह जो है कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर दो जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 25 कह रहा है कि डैश न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ऑप्शन तीन जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 26 कह रहा है कि कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं डैश कहते हैं, तो कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन चार जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि डैश तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है, तो बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन एक जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 28वां प्रश्न कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। कहाँ करेगा प्रदर्शित? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन चार जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 29 जो है वह कह रहा है कि जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूटअप करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 29 नंबर प्रश्न। जो जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूटअप करते हैं तो क्या होता है, तो जब भी हम लोग किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन एक जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं, तो वह है बूटिंग। बूटिंग वह प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक जो है ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन एक जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 हमारा कह रहा है कि जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है कहलाता है कोल्ड बूटिंग कहलाता है, ठीक है। जब भी हम लोग पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वह कोल्ड बूटिंग करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन तीन जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 32 कह रहा है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को हम लोग वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन दो जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 33 कह रहा है कि यूनिक्स का विकास कब हुआ था, यूनिक्स का विकास जो है वर्ष 1969 में हुआ था, ठीक है। यानी ऑप्शन चार जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 34 कह रहा है कि यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है, तो यूनिक्स की मुख्य भाषा जो है वह है असेंबली भाषा, ठीक है। ऑप्शन चार जो है तीन जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 हमारा कह रहा है कि यूनिक्स की विशेषता क्या है, तो यूनिक्स की विशेषता जो है वह पाँच ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा एक साथ अनेक काम, दूसरा है एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, तीसरा है काफ़ी सुरक्षित है, और चौथा है कर्नेल डाटा का प्रबंध करता है, ठीक है, और पांचवा है उपयुक्त सभी। तो यूनिक्स की विशेषता जो है वो ये सभी है, ठीक है। यानी ऑप्शन पांच जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 हमारा कह रहा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त होता है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टी यूजर के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन एक जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि यूनिक्स का पूरा नाम क्या है। तो यूनिक्स का पूरा नाम है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, यानी ऑप्शन एक जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 38 कह रहा है कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह है मैक, यानी ऑप्शन एक जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 39 कह रहा है कि डैश माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज एक्सपी जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन एक जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 40 जो है कह रहा है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला होता है, कितने बिट वाला सिस्टम है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह 32 बिट वाला सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन दो जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। तो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है, यानी ऑप्शन तीन जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या जो 42 है वह क्या कह रहा है। तो हमारा प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि रेड हैट, ठीक है, यूबंटू एंड क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण है। तो ये सभी जो है लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, यानी ऑप्शन दो जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है, ठीक है, ऑप्शन दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड बहुत कम धनराशि में सभी के लिए उपलब्ध होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड बहुत कम धनराशि में सभी के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 हमारा कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। तो वह है कर्नेल, ठीक है, कर्नेल जो है वह सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है, यानी ऑप्शन एक जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 हमारा कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है। तो लिनक्स जो है हमारा पर्सनल कंप्यूटर का जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन चार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 47 कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह माइक्रोसॉफ्ट संस्था का है, ऑप्शन तीन जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 48 कह रहा है कि एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण कौन सा है। तो एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण जो है वह है ओरियो, ठीक है, यानी ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 49 कह रहा है कि गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह एंड्रॉयड है, ठीक है, यानी ऑप्शन चार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 50 कह रहा है कि आईओएस का नवीन संस्करण कौन सा है। तो आईओएस का नवीन संस्करण जो है वह है आईओएस 11.3, ठीक है, यानी ऑप्शन एक जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 51 वह कह रहा है कि हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है। तो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जो है पीडीए के लिए होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन पाँच जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हमारा प्रश्न संख्या 52 कह रहा है कि डॉस का पूरा नाम क्या है। तो डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन दो जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 53 जो है कह रहा है कि एमएस डॉस एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एमएस डॉस एक कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन पाँच जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 54 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। तो डॉस जो है वह सिंगल यूजर ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। ऑप्शन चार जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डॉस जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है। ऑप्शन तीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 56 जो है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा एम एस डॉस, दूसरा है एम एस वर्ड, तीसरा है लिनक्स, चौथा है विंडोज ठीक है। तो इन सभी में जो है हमारा एम एस वर्ड जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एम एस ऑफिस का पार्ट है ठीक है। तो ऑप्शन दो जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 57 कह रहा है कि कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। तो बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 हमारा कह रहा है कि एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ है कि फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शन बनाना ठीक है। ऑप्शन चार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है। तो स्वयं जो है कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है वह है ऑटो exec.bat ठीक है। ऑप्शन नंबर दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 हमारा कह रहा है कि एक्सेस टाइम क्या है ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक्सेस टाइम क्या है। तो निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच का समय जो है वह एक्सेस टाइम कहलाता है। यानी ऑप्शन चार जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 हमारा कह रहा है कि .com किस फाइल का एक्सटेंशन है। तो .com जो है वह कमांड फाइल का एक्सटेंशन है। यानी ऑप्शन दो जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 62 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन डॉस में प्रयुक्त नहीं होता है। तो हमारा जो है .o जो है फाइल एक्सटेंशन डॉस में प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 63 कह रहा है कि .prg एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। तो .prg एक्सटेंशन का प्रयोग होता है प्रोग्राम फाइल में ठीक है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है हमारा 64 वह कह रहा है कि कौन सी कमांड स्वयं मुख्य मेमोरी में लोड हो जाती है। तो इंटरनल कमांड जो है वह स्वयं मुख्य मेमोरी में लोड हो जाती है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 65 वह कह रहा है कि एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डैश डायरेक्टरी कहते हैं। तो एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को हम लोग रूट डायरेक्टरी कहते हैं। यानी ऑप्शन तीन जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 66 कह रहा है कि डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है। तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को हम लोग सब डायरेक्टरी कहते हैं ठीक है। ऑप्शन चार जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 हमारा कह रहा है कि प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक है। तो प्रत्येक डिस्क के लिए जो है रूट डायरेक्टरी आवश्यक होता है ठीक है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 68 नंबर जो है वह कह रहा है कि प्रश्न संख्या 68 कह रहा है
स्टोरेज डिवाइस पर स्थित मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो स्टोरेज डिवाइस पर स्थित मेन फोल्डर को हम लोग रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 69 जो है वह कह रहा है कि डॉस में अपने कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए किस प्रकार की फाइल की आवश्यकता होती है? तो डॉस में अपने कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है एक्सटर्नल कमांड फाइल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दो जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 70 कह रहा है कि सीडी कमांड प्रयोग होता है, तो सीडी कमांड जो है वह करंट डायरेक्टरी देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन तीन जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 71 कह रहा है कि डेल कमांड का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, तो डेल कमांड का प्रयोग जो है फाइल को डिलीट करने और डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन एक और इन दो हमारा दोनों सही है, यानी ऑप्शन पाँच जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 71 तक ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिन सभी प्रश्नों का हम लोगों ने ऑपरेशन करके देखा जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और उन सारे प्रश्नों का हम लोगों ने ऑपरेशन करके निचोड़ समझा। ठीक है, एक एक पार्ट को समझा जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बन सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था ये था हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। अगली वीडियो में हम लोग 8वें प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।